जाना पड़ेगा मुझे भाई, रास्ते में तो दिक्कत हो सकती है भाई, एकदम से एक्सीडेंट हो सकता है। इसको उठा के इधर कर देता हूँ। क्या बात है भाई, अब मेन मुद्दे पे आते हैं भाई कि हाइट कितनी होनी चाहिए। तो जी ये है मेरे पैर की पहुँचने की मेन, ये है जी, इस तरीके से पहुँचते हैं पैर। तो गाइस के जो प्रोजेक्टर है ना, ये बहुत ही ऑसम है, आप क्लोजली देख लो एक बार, कि आपको जरूरत नहीं है कुछ भी। कोई स्पोर्ट मोड, रोड मोड और गाइस आपका रेन मोड, हाईवे पे 21 से 22 की एवरेज भी निकाल देती है। अगर आप डाउन पेमेंट कराना चाहते हो तो डाउन पेमेंट भाई कम से कम देखो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब, मेरा नाम है सिकंदर, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसकेडी बाइक वर्ल्ड। तो जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख ही लिया है, आज मैं आपको ZX10R के कुछ जो लोगों के मन में सवाल है उनके जवाब देने वाला हूँ। तो सबसे पहला सवाल आता है भाई, वो यही आता है, लोग गूगल पे भी सर्च करते हैं कि भाई इसका प्राइस कितना पड़ता है, ऑन रोड प्राइस कितना पड़ता है। और देखो गाइस, हर जगह का रेट अलग अलग होता है यार। अगर आप दिल्ली पे जाओगे तो दिल्ली का अलग रेट आएगा, अगर आप यूपी का सर्च करोगे तो कुछ RTO के हिसाब से रेट कम ज़्यादा होते रहते हैं। देखो वो मैं आपको बताऊँगा। और दूसरा सवाल सबसे ज़्यादा रहता है, वो रहता है यार गाइस कि इसमें हाइट कितनी होनी चाहिए और मेरी कितनी हाइट है और मैं इसको किस तरीके से चलाता हूँ उस हाइट पे, तो वो मैं आपको बताऊँगा। तो मेरी जो हाइट है बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है, एक दरमियानी हाइट है। और इसमें मैं बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से चला पाता हूँ ZX10R को। इससे पहले 900 चलाई थी, वो भी चला दी, और BMW S1000RR भी चला ली गाइस, तो अभी तक तो उसको दिक्कत नहीं आई है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा इसकी पिलियन सीट नहीं आती है, खाली काउल आता है, यानी कि जो पीछे वाला बंदा जो बैठता है तो उस पर सीट नहीं आती है, सिर्फ कवर आता है जिसे काउल कहते हैं। तो अगर आप वो लगवाते हो कावासाकी से या आफ्टर मार्केट, तो कितने का खर्चा आता है उस बारे में बात करेंगे। और साथ ही में गाइस बात करने वाले हैं हम और भी कुछ मुद्दों पर, ज़्यादा टेक्निकली बात नहीं करेंगे, जो बेसिक से सवाल हैं उनके जवाब देंगे गाइस। तो गाड़ी को लगाता हूँ मैं साइड में और फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ये हटाना पड़ेगा मुझे भाई, रास्ते में एक ईंट पड़ी हुई है यार, और वो मुझे हटानी पड़ेगी, कहीं किसी की लग गई ना तो दिक्कत हो सकती है भाई, एकदम से एक्सीडेंट हो सकता है। इसको उठा के इधर कर देता हूँ ताकि किसी के एक्सीडेंट ना हो। कोई किस स्पीड पे आ रहा है पता नहीं होता ना गाइस, तो कभी भी कुछ इस तरीके की चीज़ दिखे तो भाई उठा के साइड में कर दिया करो, कोई नहीं करता तो खुद ही कर दो। भाई साहब ये होती है पावर, क्या चीज है यार, जाम तगड़ा है, हम लेंगे शॉर्टकट। तो गाइस कुछ क्षण के लिए मैंने स्कूटी को ले लिया और बाइक दे दी भाई को, ताकि ज़रा मैं ये देखूँ कि चलती हुई कैसी लगती है यार। और तुम्हें पता है बाइक जब अपनी हो और दूसरा बंदा चलाए तो बहुत अच्छी लगती है। ये देखो गाइस, ओ भाई आगे निकाल, आगे निकाल थोड़ी सी, ये देखो गाइस कितनी यूज लग रही है भाई, और कितना हैवी टायर है यार इसका, और एग्जॉस्ट का जो लुक है भाई वो काफ़ी ऑसम है, क्योंकि साउंड वाले एग्जॉस्ट भाई लग जाए लेकिन जो स्टॉक एग्जॉस्ट का लुक है ना वो कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते, देख रहे हो खतरनाक है भाई। तो अभी इसको लेके चलते हैं लोकेशन पे, और लोकेशन मेरे घर के पास में ही है, जो मेरा दूसरा वाला घर था, तो वहाँ पर इसको ले जाएंगे और वहाँ पर जाके इसका जो है साउंड रिकॉर्ड करेंगे। वहाँ स्टॉक एग्जॉस्ट की रेस दिया जा रहा है भाई, अबे अबे भाई सही कट मारा इनने यार, अरे गजब, इसके तो ब्रेक भी ऐसे ही हैं। जबरदस्त लग रही है गाइस, ये चेक करो आप लुक इसका, और साउंड भी सुनो इसका अगर आ रहा हो थोड़ा बहुत, क्योंकि स्टॉक एग्जॉस्ट का साउंड भी काफ़ी अच्छा है यार, ये निकल गई गोली की तरह है। कितने की है फिर? 18.5 लाख। साढ़े अठारह लाख कितनी स्पीड है भूसा की?
है उसे कितनी है? 300 भाई, 1000 सीसी है, मिल जाएगी वो तुम्हें। हाँ हाँ भैया, कैसी लगी गाड़ी? बढ़िया, आया ना मजा? चले फिर चलो जी और आगे। तो गाइस लगभग लगभग आ चुके हम, और यहाँ पर वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद होता है, थोड़ी सी हरियाली है यहाँ पर, और जो वाइब आती है ना यहाँ पर बहुत अच्छी आती है यार। और पीछे ले ले, उधर बनाएंगे, उधर यहाँ बनाएंगे इस जगह पे, ये जगह ठीक है भाई। हेलो एवरीवन, आई होप डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, मैं ले आपके लिए कौन है वीडियो, कौन है टॉपिक। मेरा नाम है सिकंदर, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एसकेडी बाइक पर। जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखी लिया, आज के सिनेरियो में टॉपिक कवर करेंगे आपकी ड्रीम बाइक, मेरी ड्रीम बाइक और हम सबकी ड्रीम बाइक कावासाकी ZX10R पर। कुछ बातें करेंगे, काफ़ी सारे लोगों के सवाल थे, काफ़ी सारे लोगों के कॉमेंट भी आए थे। ज़्यादा टेक्निकली बात नहीं करेंगे, कुछ बातें जैसे कि इसके डिज़ाइन को लेकर बात करेंगे, इसकी जो LED प्रोजेक्टर है वो कैसा है वो उस पर बात करेंगे, इसका स्टॉक एग्जॉस्ट का साउंड कैसा है उस पर बात करेंगे, हाइट आप लोगों की कितनी होनी चाहिए इसको लेने के लिए, मेरी हाइट कितनी है बैठ के भी दिखाऊंगा और मैं आपको आगे बताऊंगा डिटेल में। और अगर आप इसको बाय करना चाहते हो, अगर आप दिल्ली से हो या यूपी से हो, कहीं से भी हो, देखो आपकी सिटी में क्या प्राइस चल रहा है ये आप सर्च कर सकते हो, बाकी दिल्ली में क्या प्राइस चल रहा है, और अगर आप इसको EMI पर बाय करना चाहते हो तो आपको कितनी डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इसकी बैक सीट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये कंपनी जो है ये सिर्फ कॉल देती है, काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, लेकिन अगर आप इसकी सीट लगाना चाहते हो कावासाकी से या फिर आप आफ्टर मार्केट लगाना चाहते हो तो कितना खर्चा आता है, और कुछ मॉडिफिकेशन भी इसमें कर रखी है, वैसे तो वीडियो बना चुका हूँ तो इसी चीज़ों पर सारा बात करेंगे। बाकी टेक्निकली तो इसमें इतने इलेक्ट्रॉनिक्स हैं कि भाई इसमें एक वीडियो में कभी कवर ही नहीं हो सकते। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों मेरा नाम आप लोगों को पता है सिकंदर है, तो आज के सिनेरियो में कवर करते हैं कुछ टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं, अपने सामने है द मोस्ट ब्यूटीफुल मशीन कावासाकी ZX10R। डिजाइनिंग आप देख लो यार, ये वो बाइक है, इसका ग्रीन कलर और ये डिजाइनिंग जो है ना, ये बच्चों से लेके बड़ों तक को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा खूबसूरत ये बन सकती थी यार, कितना बेहतरीन डिजाइन है। अगर मैं बात करूँ इसके डिजाइनिंग की फ्रंट से, तो लाइक इंस्पायर है ये अपनी S2 से, क्योंकि S2 का लुक भी है वो कहीं ना कहीं ऐसा है, लेकिन वो एक अलग चीज़ हो जाती है, ये अलग चीज़ है, लेकिन डिज़ाइनिंग बहुत ही अच्छा है भाई इसका। और इसका जो ओल्ड मॉडल था उसका डिज़ाइन भी हनीकम वाला एडिशन अपने आप में काफ़ी अच्छा था, लेकिन इसका डिज़ाइन ज़्यादा बेटर लगा मुझे अगर मैं कंपेयर करूँ ओल्ड वाले मॉडल से। तो डिज़ाइनिंग तो बहुत अच्छी है, बाकी लुकिंग वगैरह भी बहुत अच्छी दे रखी है इसमें, जो कि काफ़ी औसम है यार। अगली जो चीज़ है गाइस वो है इसकी हेडलाइट प्रोजेक्टर, तो वो बहुत ही अच्छे हैं, और जैसे आप इग्निशन ऑन करते हो तो आप, तो इसमें क्या था, मैंने नाइट में यूज़ किया इसको भाई, इतने औसम इसके प्रोजेक्टर हैं भाई मैं बता नहीं सकता आपको। तो गाइस इसके जो प्रोजेक्टर है ना, ये बहुत ही औसम है, आप क्लोजली देख लो एक बार, डिज़ाइनिंग देखो बहुत ही ज़्यादा इसके औसम है, मैं नाइट में यूज़ किया था, बहुत ज़बरदस्त है भाई, इतनी हाईलाइट है कि आपको ज़रूरत नहीं है कुछ भी आफ्टर मार्केट कराने की। तो ये आप देख लो इसका कुछ इस तरीके से आएगा, और अगर आप इसको हाई बीम करते हो तो ये वाला आएगा, ये देखो गाइस, अभी दिन में इतना विजिबल नहीं होगा लेकिन आप यहाँ चेक कर सकते हो, ये देखो गाइस बहुत ही औसम भाई। तो हेडलाइट में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बहुत ही औसम है। और मैं सुना देता हूँ आपको इसका स्टॉक एग्जॉस्ट का साउंड कैसा है, तो वो भी एक बार आप सुन लो कैसा है। पहले तो आप एग्जॉस्ट का डिज़ाइनिंग देख लो, काफ़ी बल्कि है, काफ़ी इसकी जो है पर्सनैलिटी पर सूट होता है, बाकी जो इसका चेंज करेंगे तो वो मैं आपको दिखाई दूंगा। तो पहले इसका साउंड सुनते हैं कैसा है। वैसे तो इसका यार स्टॉक एग्जॉस्ट ही काफ़ी लाउड है, लेकिन जब आप इसका फुल एग्जॉस्ट सिस्टम लगा लोगे या सिलिकॉन भी लगा लोगे तब भी तहलका मचा देगा, बहुत ज़्यादा लाउड होने वाला। अभी तो फिलहाल नई बाइक है तो मुझे इसी में फील आ रहा है, इसी में चला रहा हूँ, बाकी बहुत जल्दी इसमें कुछ और भी करेंगे जो एग्जॉस्ट को लेकर रहेगा, बाकी ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं होगी, जो नॉर्मल मॉडिफिकेशन होगी वो करेंगे इसमें। अच्छा अगली जो चीज़ थी वो थी गाइस इसके जो एवरेज है वो कितनी है, तो एक बार आप एवरेज चेक कर लो इसकी, इसके मीटर में। तो मैंने रोड मोड पर चलाया था, इसमें जो है मोड मिल जाते हैं आपको, स्पोर्ट मोड, रोड मोड और गाइस आपका रेन मोड। इसकी लास्ट वो आई थी गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो गाइस अभी 14 दिखा रहा है, तो ये स्पोर्ट मोड पे है, अभी फिलहाल रोड मोड पे कर रखा है, स्पोर्ट मोड मैंने चलाई थी तो 14 की थी, बाकी इससे पहले जब मैंने इसको
रोड मोड पर चलाया था, एक लीटर में इन्हें 16 की एवरेज दी थी और हाईवे पे 21 से 22 की एवरेज भी निकाल देती है अगर आप नॉर्मल स्पीड पर चलाओ, बाकी खींचोगे तो कोई हद नहीं होता। लेकिन हाँ ये है कि 15-16 की इसकी एवरेज है, 10 से ऊपर ही है, 12 से ऊपर है बल्कि मैं ये कहूँगा, काफ़ी अच्छी एवरेज है इसकी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो सुपर बाइक 1000 cc का इंजन है तो इतना तो चलता ही है गाइस। अब बात कर लेते हैं गाइस इसका जो है अपना कैश में कितने की आती है गाइस। तो अगर मैं बात करूँ दिल्ली की तो 18 लाख 18.5 लाख रुपए की आती है दिल्ली में ऑन रोड। एक होता है एक्स शोरूम प्राइस, एक होता है ऑन रोड। तो ऑन रोड का मतलब होता है कंप्लीट, इसमें RTO वगैरह जो इसमें इंश्योरेंस सब कुछ लग के आपके हाथ में जब आती है तो 18,40,000 रुपये इसका जो है रेट है। बाकी आप अपनी सिटी के हिसाब से सर्च कर लेना गूगल पे, आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर आप डाउन पेमेंट कराना चाहते हो तो डाउन पेमेंट भाई कम से कम देखो 5 लाख रुपए, अगर आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है तो किसी भी शोरूम में आप जाके ले सकते हो और बहुत ही अच्छा, तो कुछ देने की जरूरत भी नहीं होती है, काफ़ी सारे लोग ऐसे ही ले आते हैं कुछ भी देके। लेकिन अगर आप नॉर्मली लेना चाहते हो तो आप मेरे हिसाब से 7 से 8 लाख रुपये अगर जमा कराते हो तो काफ़ी अच्छा जो रहेगा और आपका ब्याज भी इंटरेस्ट भी कम लगेगा, लोन भी कम रहेगा आपका। तो ये रहता है गाइस। इसके अलावा बात करेंगे सीट की, तो सीट की प्रॉब्लम ये है भाई, ये है काउल, ये सीट नहीं, ये काउल है, काफ़ी सारे लोग जो जानते हैं उन्हें पता ही होगा। तो अगर आप इसकी सीट लगवाते हो तो कैसे, अगर आप सीट कावासाकी से लगवाते हो तो अराउंड आपके 45,000 से 50,000 लगेंगे, 45,000 से 50,000 खर्चा आएगा, क्योंकि एक सीट आएगी और साथ ही में इसके फूटर्स वगैरह का पूरा सेटअप आएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है फूटर्स भी इसमें नहीं है और ये सेट तो कुछ भी नहीं है, ये देखो गाइस। लेकिन अगर आप आफ्टर मार्केट कराते हो किसी और कंपनी की, अदर कंपनी की, तो आपका फिर भी 30 से 35 हज़ार खर्चा आएगा ही आएगा, क्योंकि वो कंप्लीट सेट आता है। और अगर आप थोड़ा सा और डाउन पर जाओगे तो भाई 20-25 हज़ार में भी काम हो जाएगा। तो ये आप लोग देख लेना आप लोग क्या कराना है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं भाई कि हाइट कितनी होनी चाहिए और मेरी हाइट कितनी, तो मैं बता दूं गाइस इसमें जो मेरा जो हाइट का है वो है गाइस 5'4" या फिर 5'5" अराउंड मेरी हाइट है। तो एक बार देख लो मेरे पैर कैसे पहुँच रहे हैं, और अगर आप इससे ऊपर हो तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो जी ये है मेरे पैर की पहुँचने की मेन, ये है, ये इस तरीके से पहुँचते हैं मेरे पैर। थोड़ा सा सस्पेंशन अगर डाउन कर लोगे तो प्रॉपर पहुँच जाएंगे, ये है मेरे पैर पहुँचते हैं इस तरीके से गाइस। तो ठीक ठाक है, कंट्रोल हो जाती है। और अगर इस साइड से देखोगे तो एक बार इस साइड से भी देख लो, ये है जी इस तरीके से पहुँचते हैं पैर। तो हाइट पे तो कोई दिक्कत है नहीं, बाकी चलाने वाला तो देखो कुछ भी चला लेता, बचपन में साइकिल चलाते थे याद है ना, साइड से कैची मार के और चढ़ जाते थे, लेकिन ये वो नहीं है वाला सीन, इसमें नहीं होगा। तो भाई कुछ इस तरीके से आ रहा है देखो मामला। अब ये तो हो गया हाइट का, अगर आप लोगों की इससे कम भी है तब भी आप चला लोगे, यार देखो मेरे ऐसे आ रहे हैं पैर, ठीक है। अगर आप हल्के से यू भी ले लोगे तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, शौक तो पूरा करना है ना भाई। थोड़े से सस्पेंशन डाउन कर लेना इसके यहाँ से नीचे से तो प्रॉपर पैर पहुँच जाएंगे आपके, ठीक है। अब थोड़ा चला के दिखाते हैं आपको कि इस तरीके की जब मशीन पर बैठते हो तो आप देख रहे हो कैसा लुक आता है, लेकिन जब चलते हो तो कैसा लुक आता है वो जरा और देख लेते हैं। क्या बात है भाई, तो ये तो हो गया कुछ थोड़ा सा ट्रायल। तो ये भी कंप्लीट जो मैंने आप लोगों को बताया, कुछ बेसिक से मोड्स, कुछ बेसिक सी चीज़ें, इसके अलावा कुछ मॉडिफिकेशन भी इसमें कर रखी है। अगर आप देखोगे यहाँ पर आके, जैसे कि इसमें विंग्स लगा रखे हैं मैंने यहाँ पर आप देखोगे, हालांकि ये चेंज करने हैं मुझे, दूसरे विंग्स लगाने हैं, लेकिन फिलहाल ये काफ़ी अच्छे लगे मुझे, कार्बन फिनिश के साथ हैं, काफ़ी औसम है। इसके अलावा यहाँ सस्पेंशन प्रोटेक्टर लगा रखे हैं, इधर RNG वायर लगे हुए हैं, इधर CNC वायर लगे हुए हैं, प्रॉपर जो है आपका डिस्प्ले वगैरह प्रॉपर, ये वाला एरिया आपका सेफ रहता है, लुक भी काफ़ी ज़्यादा रोबोटिकल आ रहा है यार। RNG के यहाँ पर आप चेक करोगे तो फ्रेम स्लाइडर्स लगे हुए हैं और RNG के ही फोर्क स्लाइडर लगे हुए हैं गाइस। यहाँ पर लीवर गार्ड्स लगा रखे हैं, मान लो कभी बाइक गिरती भी है तो आपके लीवर्स वगैरह डैमेज ना हो, क्योंकि आप लोगों को पता है इसका एक एक पार्ट जो है काफ़ी एक्सपेंसिव होने वाला है। तो इस चक्कर में सारी चीज़ें लगा रखी हैं, साइड स्टैंड जैकेट भी यहाँ पर डाउन कर रखी है, स्पून लगा रखे हैं पैडोक स्टैंड के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं गाइस, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें और इसमें लगने वाली हैं, काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं, जैसे कि इसका रेडिएटर गार्ड लगेगा, फुल एग्जॉस्ट सिस्टम लगेगा। इस वीडियो में अगर कुछ भूल गया हूँ बताना तो आप कमेंट करके पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो में आप कवर कर दूंगा। अभी के सिनेरियो में ये था, ये थी आपकी ब्यूटीफुल मशीन कावासाकी ZS10R की कुछ सवाल कुछ जवाब। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत।